हाँ, तो हम यहाँ बात कर रहे थे हमें क्या कैलकुलेट करना है LHS में, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, जिस पर हम अभी आते हैं। उससे पहले हम RHS को भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं। RHS में सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना है, ए इंटू बी। ए इंटू बी यदि हम करेंगे तो क्या आएगा, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, इतना आएगा। और फिर आएगा 2,1, 2,2, 2,3 एंड 2,4, ये चीजें हमें मिलेंगी ए क्रॉस बी में। ऐसे ही हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस सी भी निकालना है। ए क्रॉस सी निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 1,5, 1,6, 2,5 एंड 2,6, ये ए क्रॉस सी हो गया। अब यदि इन दोनों के बीच में क्या ले लें हम, जैसा इन्होंने बोला है क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी, इसका वैल्यू कितना आएगा, इन दोनों में कोई कॉमन चीज है क्या, कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो इससे आ जाएगा 5। RHS का वैल्यू कितना आ गया, 5। LHS में हम ए में मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी इंटरसेक्शन सी का, बी इंटरसेक्शन सी क्या है, 5। 5 मतलब सिमिलर टू 0। मैथमेटिक्स में 0 का मल्टीप्लाई किसी में करते हैं तो क्या नंबर आता है, 0 आता है। 5 का मल्टीप्लाई किसी सेट में करते हैं तब भी क्या मिलता है हमें, 5। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं क्या, LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। क्लियर, समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम? ओके, फिर हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1,2 एंड बी इज इक्वल टू 3,4। ये हमें टू सेट्स गिवन है ए एंड बी, हमें बोला है राइट ए इंटू बी, ए और बी का प्रोडक्ट लिखो। फिर पूछा है हाउ मेनी सबसेट विल ए इंटू बी हैव, ए और बी का प्रोडक्ट करने पर जो सेट आया उसका यदि सबसेट लेना है, सबसेट बनाने हैं तो कितने सबसेट्स होंगे, उन सभी के नाम लिखो, लिस्ट है। सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को।
कैलकुलेटर का ए इंटू बी सभी का देखो बहुत आसानी से कर सकते हैं हम ए इंटू बी, ए इंटू बी करेंगे तो क्या होगा, वन कॉमा थ्री, वन कॉमा फोर और आगे क्या आएगा, टू कॉमा थ्री एंड टू कॉमा फोर, इस तरह से आएगा। तो ये हमारा ए क्रॉस बी है, उसका सेट हमें मिल गया इस तरह का। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, फोर एलिमेंट्स। अब हमसे पूछा है इसमें कितने सबसेट होंगे, तो सबसेट के लिए हमें मालूम है कौन सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं। सबसेट हमें बताता है टू रेज टू पावर एन, तो यहाँ एन कितना है अभी, फोर, फोर एलिमेंट्स है ना यहाँ पर, तो एन इज इक्वल टू हमारे पास है अवेलेबल फोर। तो कितने सबसेट्स होंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू टू रेज टू पावर फोर। टू रेज टू पावर फोर कितना होता है, 16। और 16 लिख सकते हैं सभी, एक बार इसको अकेला लिखना, एक बार इसको अकेला, एक बार इसको अकेला, एक बार इसको अकेला, एक बार इन दोनों को साथ में, फिर इन दोनों को साथ में, फिर इनको साथ में, टू के पेयर्स बनाना, फिर थ्री के पेयर्स बनाना, फिर एक बार पूरा और एक में फाइव, कुछ नहीं। तो इस तरह से टोटल हमें कितने मिल जाएंगे, 16 सबसेट मिल जाएंगे। वन मोर इजी क्वेश्चन हम करते हैं। देखो 16 सबसेट कैसे होंगे, चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ। एक तो ये फॉर्मूला है जहाँ से हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट किया 16 होंगे, अब वो कौन कौन से होंगे वो भी देखना है। तो फिर देखो मैं लिख के दिखा रहा हूँ, लिस्ट ऑफ सबसेट। तो जो फर्स्ट सबसेट होगा, फर्स्ट क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, फाइव। दूसरा हो जाएगा वन कॉमा थ्री, ऐसे वन कॉमा थ्री अंदर ये ब्रैकेट भी आएगा क्योंकि ये वन एलिमेंट है। वन कॉमा फोर इस पर कर ली ब्रैकेट, टू कॉमा थ्री, टू कॉमा फोर, इस तरह से आप टू टू के पेयर बना देंगे, वन कॉमा थ्री एंड वन कॉमा फोर, ये एक सेट बन गया। ऐसे ही वन कॉमा थ्री लो और टू कॉमा थ्री ले लो, ये भी एक बन गया। नेक्स्ट वन कॉमा थ्री लो और टू कॉमा फोर, ये भी एक बन जाएगा। और क्या बनेंगे टू के पेयर, वन कॉमा फोर हो जाएगा और टू कॉमा थ्री हो जाएगा, ये हो गया। इसके अलावा इसके अलावा और जो होगा, वन कॉमा फोर, टू कॉमा फोर एंड टू कॉमा थ्री एंड टू कॉमा फोर, ये सब क्या हो जाएंगे, टू टू के पेयर हो गए। थ्री थ्री के पेयर जो होंगे, वन कॉमा